सरकारी आंकड़ों में भले ही बिहार में शिक्षा की तस्वीर सुखद नजर आए, लेकिन धरातल पर मौजूद सच्चाई कुछ और ही बयां करती है। कुछ ऐसी ही हकीकत से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं निशन न्यूज की पड़ताल करती एक खास रिपोर्ट। AAAM ये है मुंगेर जिला मुख्यालय के हाजी सुभान में स्थित कन्या प्राथमिक विद्यालय की प्रिंसिपल कांता कुमारी, जिन पर स्कूल चलाने की पूरी जिम्मेदारी है। और हो भी क्यों ना, इनके पास शिक्षा की वो तमाम डिग्रियां हैं जो इन्हें इनके पद के लिए माकूल बनाती हैं। लेकिन जब इनसे अम्ब्रेला की स्पेलिंग पूछी गई, तब इन्होंने सवाल का क्या जवाब दिया, आप भी जरा सुनिए। अम्ब्रेला का स्पेलिंग क्या होता है मैडम? अम्ब्रेला का ओ अधमो बे बोरस ले एक अल्लाह का अम्ब्रेला इंग्लिश में लिख कर दिखा देते हैं सर। अम्ब्रेला ओ अधागुमो बे का ला कर अम्ब्रेला। अब सर उतना पूछ रहे हैं आपसे, हिंदी नहीं पूछ रहे हैं, इंग्लिश पूछ रहे हैं आपसे। अम्ब्रेला जी AAMEE हम लिख कर बता देते हैं सर। अम्ब्रेला का स्पेलिंग क्या होता है मैडम? अम्ब्रेला का ओ अधागुमो बे बोरस ले एक अल्लाह का अम्ब्रेला इंग्लिश में लिख कर दिखा देते हैं सर। अम्ब्रेला ओ अधागुमो बे का ला कर अम्ब्रेला। अब सर उतना पूछ रहे हैं आपसे, हिंदी नहीं पूछ रहे हैं, इंग्लिश पूछ रहे हैं आप। अम्ब्रेला जी AAMEE हम लिख कर बता देते हैं सर। इसके बाद इनसे महीनों को अंग्रेजी में लिखने को कहा गया, तब इन्होंने जनवरी को क्या लिखा आप भी देखिए। जब इनसे हमारे संवाददाता कुछ और सवाल पूछना चाहें, तो इन्होंने खुद को पूर्व विधायक की पत्नी बताकर धौंस जमाने की कोशिश की और बिना जवाब दिए वहां से चली गई। अब इनसे मिलिए, ये है इस स्कूल की शिक्षिका शारदा ठाकुर। जब हमने इनसे कुछ सवाल पूछे तो उन्होंने बीमारी का बहाना बनाकर हमसे कन्नी काटनी चाहिए। स्पेलिंग सिर्फ हम पूछे, बस इतना सा पूछे मैडम। अच्छा क्या नाम है आपका? कौन सा क्लास को आप देखती हैं मैडम? क्या नाम है आपका जी? किस क्लास में आप पढ़ाती हैं? क्लास वन में। अच्छा कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हैं आप? बच्चे लोग कौन सा पढ़ाना है? सूबे में पंचायत स्तर पर 2 लाख से ज्यादा प्राइमरी और मिडिल स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति की गई, लेकिन सच्चाई है कि जाली शैक्षणिक प्रमाण पत्रों को दिखाकर हजारों अयोग्य और फर्जी शिक्षक नियुक्त हुए हैं। ऐसे में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को सही शिक्षा कैसे मिल पाएगी, इसका अंदाजा आप हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट को देखकर लगा सकते हैं। अब जवाब देने की बारी सूबे के मुखिया नीतीश कुमार की है, जो बिहार में शिक्षा व्यवस्था में आए सुधार का दावा करते नहीं थकते। मुंगेर से गौरव मिश्रा की रिपोर्ट। और देश भर में कोरोना का संक्रमण एक बार फिर तेजी से बढ़ रहा है। महाराष्ट्र और पुडुचेरी के बाद अब झारखंड में भी कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। दरअसल बीते दिनों रांची के मारवाड़ी कॉलेज में शिक्षकों के कोरोना संक्रमित पाए जाने से हड़कंप मच गया और प्रशासन ने फिलहाल 1 हफ्ते के लिए कॉलेज परिसर को सील कर दिया। इस दौरान कॉलेज के तमाम ऑफलाइन क्लासेस और मिड सेमेस्टर परीक्षा स्थगित कर दिए गए। आपको बता दें कि बीते 1 महीने के भीतर झारखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ी है। वर्तमान में राज्य में कोरोना के 511 एक्टिव मामले हैं। इसमें सबसे ज्यादा 305 मामले राजधानी रांची के हैं। कोसी और मिथिलांचल को रेल सेवा से जोड़ने की दिशा में रेलवे ने एक बड़ा कदम और आगे बढ़ा लिया है। पूर्व मध्य रेल के महाप्रबंधक ललित चंद्र द्विवेदी ने
कोसी रेल ब्रिज का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण की खास बात यह रही कि जिस स्पेशल ट्रेन पर सवार होकर जीएम ने निरीक्षण किया उसकी पूरी कमान महिलाओं के हाथ में थी। ट्रेन की पायलट, गार्ड और सुरक्षा की जिम्मेदारी महिलाओं को ही दी गई। आपको बता दें कि 1934 में आए भूकंप के बाद से बंद पड़ा निर्मली सरायगढ़ रेलखंड 87 वर्षों बाद फिर से शुरू होने जा रहा है। इससे कोसी और मिथिलांचल की दूरी कुछ घंटों में तय की जा सकती है। पूर्व मध्य रेल के महाप्रबंधक ललित चंद्र त्रिवेदी ने सहरसा जंक्शन पहुंचे जहां उन्होंने 3 परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस दौरान स्टेशन पर उनका स्वागत स्काउट एंड गाइड के बच्चों ने तिलक और आरती उतार कर किया। आपको बता दें कि महाप्रबंधक ने ऑटोमेटिक वॉशिंग कोच प्लांट और जंक्शन पर बने फुटओवर ब्रिज का फीता काटकर उद्घाटन भी किया। इस मौके पर महाप्रबंधक ने अच्छा काम करने वाले 3 रेल कर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। सहरसा में उर्दू भाषा को बढ़ावा देने के लिए सेमिनार का आयोजन किया गया। इस दौरान मौके पर जिलाधिकारी भी मौजूद रहे। सेमिनार में नौजवानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जिलाधिकारी कौशल कुमार ने कहा कि उर्दू एक लोकप्रिय भाषा है और लोग बोलचाल की भाषा में भी उर्दू लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं।